नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। रोहतास जिले के डेहरी थाना चौक पर ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को महिला सशक्तिकरण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता आर्या ने फूलों से उनका स्वागत किया। उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता आर्या ने डेहरी के थाना चौक पर इस वैश्विक महामारी के योद्धा ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर सभी को सम्मानित किया। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों के कदमों में पुष्प बिछाकर उनके इस बलिदान पूर्वक कार्यों को सम्मान दिया गया। वहीं गीता आर्या ने इस दौरान कहा कि आज पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर हम लोगों की रक्षा में लगे, इसलिए इसी मौके पर कोरोना से जंग लड़ रहे हमारे कोरोना के महानायक सभी पुलिसकर्मियों को उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। बच्चा सब कुछ घर द्वार छोड़ करके ये छुट्टी भी इनकी रद्द हो गई और ये दिन रात हम लोगों को लॉकडाउन में हम लोग बंद हैं, लेकिन ये बाहर रह करके आज जनता का सेवा कर रहे हैं कि रोग आगे फैलने मत पावे, लोग फालतू भीड़ न लगाने पावे। ये सब कुछ देखते हुए आज ये दिन रात मर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ना रात ना दिन इनका इनको चैन नहीं है। तो जो अपना परिवार बाल बच्चा छोड़ के घर द्वार छोड़ करके हमारे लिए कर रहा है, तो हम इनको सम्मान करने के लिए ठाने। लेकिन एसपी साहब का आदेश था कि डिस्टेंस को देखते हुए माला वगैरह नहीं पहनाना है, तो मैंने सोचा कि इनके कदमों में ही फूल बिछा दिया जाए। अब इससे बड़ा सम्मान हम क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो बहुत कुछ करने का उमंग था हमारे अंदर कि इनको और नेशन भारत भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जो भी कोरोना के योद्धा हैं उनको आप सलाम करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका सहयोग करें और अपने घरों में रहिए। वाकई में अगर आप उनका रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें इज्जत देना चाहते हैं, उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि आपके घर में रहने का मतलब उनकी मदद करना है। नेशन भारत भी अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।